माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र ने प्रदेश में विज्ञान संकाय में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही स्कूल के अन्य छात्र छात्राओं ने भी उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल बिजौली के छात्र सुमित तिवारी ने विज्ञान संकाय में 10वां स्थान प्राप्त किया है। सुमित ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। साथ ही उन्होंने छात्रों से कहा कि वो प्रेशर लेकर पढ़ाई ना करें, यदि इस बार असफल हो गए हैं इसमें हताश ना हो, अगली बार मेहनत करके अच्छे नंबरों से पास हो। सुमित की सफलता से प्रसन्न होकर नगर निगम सिंगरौली में प्रभारी इलेक्ट्रिक विभाग के SDO प्रवीण गोस्वामी ने उन्हें 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। अन्य 3 छात्रों को सम्मान अंक प्राप्त किए हैं, उनको भी 3,000 रुपए का पुरस्कार दिया। मेरी सफलता के पीछे प्रेरणा सबसे पहले मेरे शिक्षकगण जो थे और मेरे परिवार, मतलब कि मेरे मम्मी पापा, इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था। और मैंने जैसे 2-3 घंटे तो मैं स्टार्टिंग में ही पढ़ाई किया करता था, लेकिन जब पेपर होता था तो उसके 1 से 1.5 महीने पहले मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया करता था और फिर उस टाइम पर केवल रिविज़न किया करता था ताकि प्रेशर न रहे। बहुत से लड़के क्या रहते हैं कि प्रेशर लेके पढ़ाई करते हैं, तो उससे उनके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और उनके नंबर कम आते हैं। उनको यही कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर न दें और अगर इस बार असफल हुए हैं तो अगली बार प्रयास करते हैं, अगली बार अवश्य सफल होंगे। रिजल्ट जब आता है तो सभी लोग उत्साहित रहते हैं। अगर रिजल्ट और बेहतर आ जाता है और प्रदेश में बच्चे जब नाम करते हैं तो उस स्कूल के बच्चों के लिए, साथ में उनके अध्यापकों के लिए, प्रिंसिपल साहब के लिए और ख़ासतौर से उन बच्चों के परिवार के लिए बहुत ही खुशी का क्षण होता है। और इसमें जब उनको सम्मानित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, तो निश्चित रूप से और भी जो इनके पीछे की आने वाली पीढ़ी है, इनके पीछे की क्लास के बच्चे जो आगे वाली क्लास में आएंगे, उनको भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि देखो उसने बहुत अच्छा किया है, हम भी करेंगे। अरे तो समस्त भैया बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना उनके अभिभावकों को जिन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर पर विश्वास करके अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। ये बहुत ही इस विद्यालय का एक गौरव है और कई वर्षों से इस विद्यालय के भैया बहन मध्य प्रदेश के टॉप 10 में आते रहे। IAS, IPS, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पदों पर इस विद्यालय के विद्यार्थी आज पदस्थ हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।